आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। नेहास किचन और आज नेहा ऐसी क्यों बैठी है? तो खाना बनाने के साथ साथ मेरा एक और भी शौक है और वो है गार्डनिंग का और प्लांटिंग का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूं प्लांटिंग के। तो कुछ लोगों के ये शिकायत होती है कि जो उनके फ्लावर्स के सीड्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से सीड्स जो है वो अच्छे से ग्रो भी होंगे और उसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स भी आएंगे। तो मैंने 3 से 4 दिन पहले ही यहाँ पर कुछ सीड्स ग्रो किए थे और अभी इसमें से जो सीड्स है वो अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने टिप्स फॉलो किए जिसकी वजह से ये इतना अच्छे से ग्रो हो पाया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि डहलिया किस तरीके से लगाया जाता है, डहलिया ट्यूबर से। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन तुलसी और जो इंग्लैंड में मिलने वाली बेसिल होती है वो कैसे लगाया जाता है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे फ्लावर्स की वैरायटी जो आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक क्विक वीडियो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आता है सीड्स या ट्यूबर जिसका आप फ्लावर लगाने वाले हैं। आप लगाने के पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं वो पुराने तो नहीं है। तो सीड्स या ट्यूबर आप हमेशा रिलायबल शॉप से ही परचेज करिएगा। तो लंदन में इस तरीके के काफी शॉप अवेलेबल हैं जहां से आप आसानी से सीड्स या ट्यूबर खरीद सकते हैं। तो मुझे अपने घर के लिए ये वाला डहलिया का जो पैटर्न है वो बहुत ही पसंद आया है। इसमें 3 डहलिया के ट्यूबर्स हैं और मुझे छोटे वाले फ्लावर्स भी बहुत पसंद है। तो मुझे ये वाला पैटर्न बहुत पसंद आया है। तो ये कुछ इसमें 10 सीड्स हैं और इसे 4x5 रेटिंग भी मिली है। अगर आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, यहाँ भी उसके बहुत सारी वैरायटी है। तो अगर आपके पास अच्छा बड़ा लैंड है तो आप वेजिटेबल भी ट्राई कर सकते हैं लगाने के लिए। और यहाँ बहुत सारे वैरायटी हैं छोटे छोटे फ्लावर्स के, तो यहाँ से भी मैंने 1-2 फ्लावर्स के पैटर्न पिक कर लिए हैं। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपोस्ट। तो हो सके तो आप नया यूज़ करिएगा और अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं उसमें कोई कीड़े तो नहीं लग गए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन ऑफ पॉट। तो आपने जो भी फ्लावर सेलेक्ट किया है लगाने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग ही पॉट खरीदिएगा। तो मार्केट में आपको बहुत एन नंबर ऑफ वैरायटी के पॉट मिल जाएंगे। तो मुझे डहलिया के लिए ये लंबा वाला पॉट पसंद आया है। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो भी आप पॉट लिए हैं उसमें एक नीचे होल होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ इस वजह से मैंने होल के ऊपर कुछ पत्थर नहीं रखा है। पर अगर आप मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर टूटा हुआ दिया या छोटा सा पत्थर ज़रूर रखें। तो बिना होल वाले पॉट में जो पौधा होता है वो बहुत ही जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आप ये स्टेप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डहलिया का ट्यूबर कैसे लगाया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आता है, इसमें लंबी लंबी जड़ें हैं। तो ये लगाना बहुत ही आसान है, इसे आपको जमीन में या फिर पॉट में बहुत अंदर तक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पॉट में हाफ कंपोस्ट भरा है और मैं इसे कुछ इस तरीके से डाल रही हूँ, इसे बहुत ही अंदर तक आप ना डालें। तो ये इसका मेन स्टेम है, तो ये आप ऊपर की तरफ रखिएगा और जो जड़ें हैं वो आप नीचे की तरफ रखिएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ट्यूबर ही लगा रही हूँ। तो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप मिट्टी को बिल्कुल हल्के हाथों से ही भरिएगा, इसे बहुत ही ज़्यादा आप पॉट में प्रेस करके मत भरिएगा। तो यहाँ मैंने डहलिया की जो जड़ है उसको सिर्फ कवर किया है और उसका जो स्टेम है उसको बाहर की ओर रखा है। अब बारी आती है पानी डालने की। तो सिक्स इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी कोई ट्यूबर या फिर सीड्स लगाएं तो उसमें भर कर आप पानी मत डालिएगा। आपको सिर्फ इस तरीके से ही इसमें पानी छिड़कना है, इसको ऊपर तक आप पानी से बिल्कुल भी ना भरें। और सेवंथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सीड लगाने के बाद आप जो पॉट है उसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, इसे किसी गर्म जगह में रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर जितने भी सीड्स और ट्यूबर लगाए हैं उसे पहले इंडोर रखा है और डहलिया का मेन स्टेम मैंने बाहर की ओर रखा है, उसे मैंने कंपोस्ट से कवर नहीं किया है। तो डहलिया में से पौधे निकलने में 6 से 8 हफ्ते तक लग जाते हैं। तो अब बारी आती है फ्लावर्स लगाने की। तो मैंने यहाँ पॉट में पहले से कंपोस्ट भर के रखा है, तो सारे जो सीड्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से पैक हैं। तो मैंने इसमें से सीड्स निकाल लिए हैं और जो मेरा बेटा है उसको प्लांटिंग का बहुत शौक है, तो वो आ गया है मेरा हेल्प करने। तो इसने बहुत सारे सीड्स एक ही जगह डाल दिए, तो आप ऐसा ना करें, आप इसे थोड़ा सा फैला लें पॉट में और फिर इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, सिर्फ आपको 0.5 सेंटीमीटर तक के ही ऊपर में मिट्टी डालनी है। तो आपने जो भी सीड लिया है उसके पैकेट में अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसे यूज़ करने का, तो आप वही फॉलो करिएगा। तो सेम इसमें भी आपको सीड्स लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है,
सिर्फ हल्का सा इसमें पानी छिड़क देना है। और पानी डालने के बाद मैंने इसे क्लिंग फिन से इस तरीके से कवर किया है, क्योंकि इसके पैकेट में इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। तो ऐसा करने से सीड्स बहुत ही जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखिए, सिर्फ 4 दिनों के बाद ही इसमें छोटे छोटे प्लांट्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब ये ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाए, आप उसमें से कवर निकाल लीजिएगा। तो आप अभी भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, आप इसे खिड़की के पास रखिए जहाँ हल्की धूप आती हो, और जब इसकी हाइट 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाए तब आप इसे बाहर रख दें। और अब बारी आती है मैरीगोल्ड लगाने की, मतलब गेंदे की। तो गेंदे में ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है उसे ही आप मिट्टी के अंदर डालिएगा। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा गार्डन है, बगीचे में आपको मैरीगोल्ड लगाना है, तो आप उसे छिड़क भी सकते हैं, पर पॉट के लिए आप ये जो ब्लैक पोर्शन है उसे आप पहले अंदर डालिएगा मिट्टी में। और प्लांटिंग का रूल नंबर 8 ये है कि आप प्लांटिंग बिल्कुल सुबह सुबह करें या फिर शाम में करें, आप प्लांटिंग दोपहर की धूप में बिल्कुल भी ना करें। तो मैं दूसरे गमले में एक और अच्छा सुंदर सा फूल लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको रूल नंबर 9 ये बता दूँ कि आप जो भी कंट्री में हैं, आप उसके वेदर के अकॉर्डिंग ही प्लांटिंग करिएगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, US में इसका सीजन होता है फरवरी एंड टू जून तक, और ईस्टर्न कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, यहाँ उसका सीजन होता है सितंबर एंड टू दिसंबर तक। तो आप इसके इस सीजन के अकॉर्डिंग ही आप प्लांटिंग करिएगा। अगर आपने रॉन्ग वेदर या रॉन्ग टेम्परेचर में सीड लगाया या ट्यूबर लगाया तो वो कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने दोनों गमले में पहले सीड्स लगा लिए हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी ही मिट्टी फिल करी है, और सेम मैं यहाँ पर हल्का इसका वाटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सीड्स को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसे भी इंडोर ही रखिएगा। और 7 से 8 दिनों में ये देखिए मैरीगोल्ड अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। और अब बारी आती है मेरे फेवरेट प्लांट, जो है इंडियन तुलसी। तो तुलसी लगाने के पहले आप याद रखिएगा कि इसके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो अच्छे ड्राई होने चाहिए। तो मैंने पॉट में कंपोस्ट पहले से अच्छे से भर के रखा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन तुलसी लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इसको सीड लगाने से इसके ग्रोथ होने और उसके बाद भी आप इसे कम से कम 20-25 डिग्री टेम्परेचर में ही रखिएगा। तो बस बीज छिड़कने के बाद इसे आप हल्के हाथों से मिट्टी से भर लें, बहुत ज़्यादा आप इसमें ऊपर तक मिट्टी ना डालें। और तुलसी को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो आप इसे हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से इसमें पानी डालिएगा, और इसे रूम में जहाँ थोड़ी गर्माहट हो आप वहाँ रखिए। तो अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है या फिर बहुत ही हवा चल रही है, तो आप तुलसी को बाहर बिल्कुल भी मत रखिएगा। आप इसे भी विंडो के पास रखिए जहाँ पर थोड़ी सी धूप आती हो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिल कैसे लगाया जाता है। तो ये यहाँ आप बोल सकते हैं कि ये इंग्लैंड की तुलसी है, तो आप इसे साल में किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इसे इंडियन तुलसी जैसे बहुत ज़्यादा गर्माहट की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ, सीड लगाने के बाद आप जो गमला है या पॉट है उसे आप घर के अंदर ही रखिएगा। तो इसके जो सीड्स होते हैं ये इंडियन तुलसी से थोड़े से बड़े होते हैं, तो मैंने सेम प्रोसीजर से इसमें सीड लगाया है जैसे मैंने इंडियन तुलसी लगाया था। और सेम इसमें भी आपको थोड़ा सा पानी डालना है, और इसे डार्क और गर्म जगह में आप रख दें, ताकि इसमें बहुत ही जल्दी से जो बीज है उसमें से तुलसी निकलना स्टार्ट हो जाए। और सेम तरीके से मैंने ये वाला फ्लावर भी लगाया है, तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो मैंने अच्छे से फॉलो किए हैं। तो कुछ पैकेट्स में ये लिखा हुआ होता है, तो आप बिल्कुल वही फॉलो करिएगा। तो रूल नंबर 10th ये है कि अब हमें पौधे में कब कब पानी डालना है। तो जब इसका टॉप लेयर पूरी तरीके से देखिए ड्राई हो चुका है, इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल है ही नहीं, तो आप इसमें बहुत ही कम पानी कुछ इस तरीके से ही इसमें डालिएगा। इसमें आप पूरा भर कर पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो तकरीबन 2 से 3 दिन में इसका जो ये ऊपरी मिट्टी है ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे आने वाली एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।